मैम, एक तरफ बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है और इसी बीच स्वरा भास्कर की एक फिल्म आई चार यार, जो कि बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप रही और विधानसभा में सच्ची कहानी पर आधारित द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो स्वरा भास्कर की फिल्म की तारीफ कर रही है, सोशल मीडिया पर लिख रही है। मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब की जो पत्नी है उनको फिल्म इतनी अच्छी लगी और बार बार सच्चाई की बात अगर वो करती हैं तो गिरिजा टिक्कू नाम की लड़की को, जब महिला को जब सामूहिक बलात्कार करके उनको दिया जाता है, आरी पे जिंदा रख दिया जाता है और उनके बॉडी के टुकड़े दिए जाते हैं, तो शायद उनको वो सीन देख के या वो समझ के या वो देख के कश्मीर फाइल्स में वो ना ही उनका दिल पिघला ना ही उनको कोई संवेदनशीलता उस महिला के लिए आई। लेकिन इस तरह की फिल्म चार यार सच्चाई पर आधारित है, ठीक है आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा अपने पतिदेव से कह देती कि कश्मीर फाइल्स को भी टैक्स फ्री दिल्ली में किया जा सकता था, ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में लेके और उन स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ ये टैक्स फ्री हो। और केजरीवाल साहब देश के मध्य बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं, सेंटर में दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कोशिश नहीं की कि टैक्स फ्री करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को देखें कि इस देश में किस तरीके से गिरजा टिक्कू जैसी महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद उनके शव को टुकड़ों में बहा दिया जाता है थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक इमोशंस फीलिंग्स महिला होने के नाते केजरीवाल साहब की पत्नी को गिरजा टिक्कू से भी रखना चाहिए था और अपने पति से रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि भाई गलती हो गई, आपने चार यार को अगर आज तारीफ कर रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं, कश्मीर फाइल्स के बारे में भी बुरा ना बोलते हुए चार अच्छी लाइनें बोली जा सकती थी। स्वरा भास्कर जो ये कह रही थी कि ट्रोलर्स एक अपना बिजनेस चला रहे हैं, ट्रोल करके पैसा कमा रहे हैं, आज उनकी फिल्म इस ट्रोल के चलते ही बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाई है, फ्लॉप साबित हो रही है। देखिए मैं तो स्वरा भास्कर को देश में जहां जहां आग लगती है वहां जाने वाले एक एक्टिविस्ट के रूप में जानती हूं, और शायद एक्टिविस्ट कहना भी हम एक्टिविस्टों की बदनामी और बेइज्जती अगर हम स्वरा भास्कर की एक्ट्रेस तो वो है नहीं, मैं उनको 50 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की वाली फिल्म की किटी में भी नहीं रखती हूँ। स्वरा भास्कर की बहुत रेयर ऐसी कोई फिल्म आई है जो अपने दम पे उन्होंने फिल्म बनाई हो, चलाई हो या उसमें एक्ट्रेस हो, उनको मैं कैसे जानती हूँ, शाहीन बाग की बिरयानी खाने के लिए जानती हूँ, मैं कैसे जानती हूँ वो रातों रात जो है सीए के प्रोटेस्ट में आ जाती हैं, रातों रात एक्ट्रेस से किसान बन जाती है, तो स्वरा भास्कर पहले तय कर लें। अच्छा स्वरा भास्कर को देखिए वो अफगानिस्तान में भी बोलती हैं, स्वरा भास्कर का दिल दुखता है जब तालिबान की बात होती है, मतलब वहां पे फुटबॉल या वॉलीबॉल प्लेयर का गर्दन काट दिया जाता है, उसकी ड्रेस पहनने पे जो ये यूनिफॉर्म या फुटबॉल प्लेयर्स वॉलीबॉल प्लेयर्स पहनते हैं उसके लिए तालिबान वालों ने अफगानिस्तान में गर्दन की उस पे नहीं बोलती हैं, लेकिन अब तालिबान की कोई बात होती है, अफगानिस्तान की कोई बात होती है तो उनको दुख हो जाता है, लेकिन वहीं अमरावती में कुछ होता है, कन्हैयालाल टेलर का गला उनको दुख नहीं होता, तो वो आज तक खुद ही मुझे लगता है जनता भी स्वरा भास्कर को लेके वैसे बहुत कंफ्यूज है कि वो एक्ट्रेस हैं, कि वो किसान हैं, कि वो सीए के विरोध में आने वाली हैं या वो शाहीनबाग की बिरयानी खाने वाली हैं अनुराग कश्यप और इन लोगों के साथ जो वो गैंग बना के आती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें बॉलीवुड के बॉयकॉट की तो ब्रह्मास्त्र को लेकर भी इसी तरीके से पीआर चलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल्म ने अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो काफ़ी ज़्यादा करोड़ों की कमाई की है, 300 करोड़ रुपए की कमाई की है, और वहीं बॉयकॉट करने वाली जनता कह रही है कि फिल्म देखने गए नहीं है लोग, तो फिर इतना बड़ा कलेक्शन कैसे साबित कर रहे हैं, कैसे ये इतना करोड़ कमाया है फिल्म ने, दो तरीके की बातें हो रही हैं। देखिए आप अगर देश का कोई भी सिनेमा हॉल चले जाएंगे, आप कोई भी फिल्म देखने चले जाइए, अगर वहाँ ब्रह्मास्त्र लगी है तो वो थिएटर्स खाली दिख रहे हैं, व्यूअर्स खुद थिएटर्स के अंदर जाके वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर रहे हैं मैसी, तो जो लोग खुद जा रहे हैं अंदर या जो जो एक दो लोग फिल्म देखने गए भी हैं उन्होंने भी दिखाया है कि देखिए ब्रह्मास्त्र कितनी बड़ी फिल्म है, पूरा हाउसफुल चल रहा है, दिखा मतलब वो टॉन्ट करते हुए वीडियो दिखा रहे हैं कि आधा सिनेमा हॉल खाली है, तो फिल्में जा कौन रहा है देखने, सिनेमा हॉल्स खाली हैं, ये आंकड़े 300 करोड़ के, 400 करोड़ के, 200 करोड़ के वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया, कौन ये सब झूठ बोल रहा है मैं बताती हूँ। देखिए क्या है, जब इनको अपने लोगों की फिल्में चलानी होती है तो करण जौहर साहब ट्वीट करने लगते हैं आपके नियरेस्ट सिनेमा घर में जाइए, बहुत अच्छी फिल्म आई है, फिल्म देखने जाइए, कश्मीर फाइल्स के लिए नहीं बोलते, और फिल्में आती हैं उनके लिए नहीं बोलते, कंगना रनौत से तो ये सारे चिढ़ते और जलते ही हैं, मुझे तो लगता है कंगना रनौत के नाम से तो इनको शाम को खराब सपने आने लगते होंगे, कंगना रनौत के नाम से इनको शाम का खाना भी इनको हजम नहीं हो, डाइजेशन नहीं होता होगा इनका, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनकी फिल्में ना ये देखने के लिए कहते हैं, उनको ये बॉयकॉट भी कराते हैं, सिनेमा हॉल्स भी नहीं मिलता है। मुझे ध्यान है कि कश्मीर फाइल्स को शुरू में पहले वीक दूसरे वीक बहुत रेयर सिनेमा हॉल्स मिले थे, पर्दे ही नहीं मिल रहे, स्क्रीन नहीं मिल रही है,
देश के सच्चाई पे बनी हुई फिल्मों के लिए स्क्रीन नहीं आप दे रहे हैं, और जहां 2 करोड़ की फिल्में बनती हैं, 4 यार और कौन कौन सी फिल्में बन रही हैं, उसकी तारीफ सीएम साहब की पत्नी करती हैं, लेकिन मैंने तो सुना ही नहीं कि कोई कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते मिल जाए। मैंने तो सुना ही नहीं कंगना रनौत ने अपने दम पे जो फिल्में बनाई हैं, जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, फीमेल फोकस फिल्म है, आपने कभी उसकी तारीफ की नहीं। तो ये जो पीआर, एक्चुअली जो ये लोग बार बार बोलते हैं कि पीआर काम कर रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं जो हमारी फिल्म में बॉयकॉट ट्रेंडिंग जो करा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी ब्रिगेड है जो काम कर रही है। बहुत बड़ी ब्रिगेड है मैसी, लेकिन वो उन लोगों की है जो ये चाहते हैं कि जो 4-5 खानदान है ना, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पे कभी नहीं बोला है, जो आज तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्या पे मौन व्रत पे हैं, जो अंदर से बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा है बाहर से एक आदमी आया हमारे बीच से चला गया, जो हमारा बिजनेस लेके जा रहा था वो भी हमारा बिजनेस यही रह गया, ये कंगना रनौत से भी इसीलिए चिढ़ते हैं, कंगना रनौत को भी किसी तरह टिकने नहीं देना चाहते, विवेक अग्निहोत्री को भी टिकने नहीं देना चाहते, मनोज मुंतशिर साहब को टिकने नहीं देना चाहते। तेरी मिट्टी के गाने को अवार्ड नहीं दे के के गानों को ये अवार्ड देते हैं। आज भी तेरी मिट्टी का गाना एक ऐसा गाना है कि तेरी मिट्टी अगर कहीं बज जाए तो शायद ही कोई एक ऐसा हिंदुस्तानी है जिसके रोंगटे नहीं खड़े हो, जिसके आंख में आंसू नहीं है। इतना बड़ा लिरिक्स राइटर मनोज मुंतशिर आपने, क्योंकि वो भी बाहर से आए हैं ना, वो चार जो गैंग है, जो जावेद अख्तर साहब का खानदान है, कपूर का खानदान है, खान्स का खानदान है, जौहर्स का खानदान है, जो ये 4-5 खानदान, इनके बाहर से जो भी आएगा ये उसको टिकने नहीं देंगे। इस बार इन लोगों ने खुद पीआर एजेंसीज हायर की होंगी, इन्होंने खुद, हमारी फिल्में चल रही हैं, बहुत अच्छी फिल्म चल रही है, ट्रेंड कर रहा है, 300 करोड़ कमाल, ये सब सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, जनता समझ चुकी है। और दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत का सच बात है कि एक ऑरा आज नहीं होने के बावजूद, सुशांत का ऑरा इतना, शायद वो भोलेनाथ की कृपा से इतना सफल है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आज ये बाहर निकल के कहना पड़ रहा है, अरे हमारी फिल्म चल गई, अरे हमारी फिल्म चल गई, आपकी तो सारी फिल्में चलती थी ना, 2 साल से चल रही है, आप सब लोग साबित करने में लगे हैं कि हमारी फिल्में चल रही हैं, 300 करोड़ कमा ली, 400 करोड़ कमा ली। इसका मतलब अर्श से फर्श तक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ले आई, उनकी आत्मा आपको ले आई, भारत की जनता आपको ले आई, वो सारे लोग जिनके साथ आपने सुशांत का मजाक उड़ाया, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो अवार्ड शोज हो, चाहे सुशांत की डेथ के बाद आपकी चुप्पी हो, जनता का जो क्रोध है ना मैसी, वो वैसे का वैसे आप देख लीजिएगा कि ये कलेक्शन जो दिखा रहे हैं इसमें 50% चीज़ें ये फेक कलेक्शन दिखा रहे हैं, फेक चीज़ें दिखा रहे हैं कि इनकी फिल्म चल रही है, ना इनकी फिल्म चली है ना इनकी फिल्म चलेगी। बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है ब्रह्मास्त्र को लेकर, पीआर अलग न्यूज़ें चला रहा है, जनता अलग सोशल मीडिया पर अभी तक बॉयकॉट कर रही है। और इसी बीच सनी देओल की एक फिल्म जो कि परसों 23 तारीख को रिलीज होने वाली है चुप, उसको लेकर 10 शहर ऐसे हैं जहां सिनेमा हॉल एक बिल्कुल तरीके से फुल हो चुके हैं, सिनेमा घर फुल हो चुके हैं, टिकट जो है वो एडवांस में बुक हो चुकी हैं सनी देओल की फिल्म चुप को लेकर। देखिए मैम, सनी देओल साहब के लिए उनकी एक फिल्म आई थी गदर, और गदर 2 भी शायद आ रहे हैं, उसके ट्रेलर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, अभी मैंने कल परसों देखा। मुझे ऐसा लगता है कि इन 4-5 खानदानों ने भी, शायद बॉबी देओल हैं, सनी देओल हैं, सनी देओल के बेटे हैं, मैं इनको, जबकि ये बहुत बड़े पुराने लोग हैं और इनके पिताजी का भाई देश में इतना बड़ा नाम है, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जी को कौन नहीं जानता, इस परिवार को कौन नहीं जानता, और वैसे ही हेमा मालिनी जी की जो बेटियां हैं ईशा देओल, उनकी नेट अभी किसी सीरीज़ पे OTT पे शायद हॉटस्टार पे या किसी पे एक सीरीज़ भी आई है। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग देश के साथ खड़े होते हैं, जो लोग देश के खिलाफ नहीं बोलते हैं, या पोर्नोग्राफी या गंदगी या ड्रग्स या सेक्सुअल असॉल्ट, इस तरह के इल्ज़ामों, इस तरह की गंदगी से भी बाहर हैं, एक अच्छी इमेज, एक खानदानी इमेज को लेके चल रहे हैं, पता नहीं क्यों ये बॉलीवुड वाले उनको आगे ही नहीं बढ़ने देते। तो मुझे लगता है कि ये जो फिल्म आ रही है उनकी चुप, वो भी अगर अच्छी है तो आप देखें ना देखें, वो आपका अपना विषय, लेकिन ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी अगर चल रही है और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी को देखने के लिए कह रहे हैं, तो ध्यान रखिए इसके पीछे प्रोड्यूसर वो है जिसने सुशांत का मजाक उड़ाया, इसके पीछे वो मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि आज तक सुशांत के लिए चुप्पी है, इनके 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 ट्विटर पे लोग, हाँ ये स्टेज पे अवार्ड शोज में मजाक उड़ाते थे उसके बिहार से आने का, उसका नए नए आने का, तेरा नाम क्या है, तूने कितनी फिल्में की हैं, कितने ऐसे अवार्ड शोज हैं जहाँ तू सुशांत सिंह राजपूत नाम ले लेके मजाक उड़ाते थे, तो जिसका आप मजाक उड़ाते थे उसका आपका पूरा बॉलीवुड का मजाक सुशांत की आत्मा ऊपर बैठ के उड़ा रही है, और आपकी धज्जियाँ उड़ा दी कि आपको पूरे 4-5 खानदानों को बाहर आके कहना पड़ रहा है कि देखिए हमारी फिल्में चल रही हैं। आधे जो ये कहते थे कि हम जनता को सबक सिखाएंगे, ये हमारी डिसेंसी थी कि हम चुप थे,
अर्जुन कपूर, आप हमारी फिल्मों को भी बायकॉट करिए, मत देखिए। तापसी पन्नू, शाबाश मिठू आई, दोबारा आई, किसी ने नहीं देखी, कोई नहीं जा रहा है। आपने जनता से पंगा लिया है, आपकी फिल्में नहीं चलेंगी अगर आप देश के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप अनुच्छेद 370 के लिए ये कहना कि अनुच्छेद 370 देश का मामला है, सरकार का मामला है, बीजेपी का मामला है, सेंटर का मामला है, हम नहीं बोलेंगे। आपको नहीं पता कि हमारे देश में आतंकवाद है? आपको नहीं पता कि कश्मीर में पूरा आतंकवाद पनप रहा था? आपको नहीं पता कि 35 से अनुच्छेद 370 हटने के बाद देश में चीजें अच्छी हुई हैं? तो आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आप क्यों नहीं बोल पाते? और एक चीज और मैसी, अभी कश्मीर में देश का, कश्मीर का पहला थिएटर अभी अभी खुलने जा रहा है, शायद कुछ 4-5 दिनों में, 10 दिनों में उसका इनॉग्रेशन है, डेट मुझे याद नहीं है, इनॉग्रेशन है, वहां पे उसका विरोध हो रहा है, वहां पे इसको इस्लाम से बाहर मान रहे हैं, उसको फिल्में देखना हराम मान रहे हैं, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैंने तो सुना शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने धमकी भी दी है। तो सबसे बड़ी बात कि बॉलीवुड में जितने लोग काम करते हैं, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर है, हीरो हीरोइन, अगर वो से ताल्लुक रखते हैं तो क्यों नहीं इतने सालों में उनको रोका, उनके लिए क्यों नहीं फतवा जारी किया, उनको क्यों नहीं बोला? तो कश्मीर में आज सिनेमा हॉल बनने जा रहा है तो क्या तकलीफ है, किसको तकलीफ है? और क्यों नहीं आज, मैं तो मैसी, अगर इनको ट्राई करना है ना बॉलीवुड वालों को, जनता को, तो ये बॉलीवुड में जितने जितने बॉलीवुड, हम तो भाई चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान है, हमने इतने सालों तक सबको सर पे बिठाया ना, मैं कह रही हूँ जितने ऐसे लोग हैं जो, उनको आगे आके कहना चाहिए कि फिल्म सिनेमा हॉल्स खुलेंगे कश्मीर में, आप लोग साथ दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई हराम नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये कहेंगे ही नहीं मैसी, क्योंकि अपनी अपनी दाल रोटी गलाते हैं ये हर जगह। बहुत बहुत धन्यवाद।